नमस्कार, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं जी मीडिया का खास ऑटोमोटिव प्रोग्राम जिग्निशन। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने जिग्निशन को इतना सारा प्यार दिया, और इस प्यार को बनाए रखने के लिए हम एक और पावर पैक एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, शुरुआत करेंगे हम कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाजार के साथ। बताएंगे कौन सी है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट एसयूवी। उसके बाद आपको ले चलेंगे लैम्बोर्गिनी हुराकन आवियो के इंडिया लॉन्च पर, और फिर मिलवाएंगे आपको हीरो मोटरस्पोर्ट रैली टीम से। पिछले कुछ सालों में ऑटोमेटिक गाड़ियों को लेकर लोगों की जो परसेप्शन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। पहले लोग मानते थे कि ऑटोमेटिक गाड़ियां मैनुअल से काफ़ी महंगी होने के अलावा हाई ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट और लो ऑन माइलेज होती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ऑटोमेटिक गाड़ियां मैनुअल के बराबर आ चुकी हैं कीमत के मामले में, वजह AMT कह सकते हैं, और उसके अलावा माइलेज भी मैनुअल के बराबर ही आजकल ऑटोमेटिक में मिल रही है। यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ियां ईज़ ऑफ ड्राइविंग कन्वीनियंस के चलते उसकी तरफ लोगों का झुकाव भी है लाजमी। तो चलिए उसी सिलसिले में हम आपको आज कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाज़ार में ले चलते हैं और बताते हैं कि कौन सी है सबसे अच्छी कॉम्पैक्ट ऑटोमेटिक एसयूवी। डस्टर और क्रेटा, जी हाँ, आखिर यही दोनों गाड़ियाँ क्यों? इस सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं ज़्यादातर सब में ऑटोमेटिक का वेरिएंट मौजूद है, लेकिन आखिरकार ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाज़ार शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू हुआ रेनो की इस डस्टर से। काफ़ी सारे चेंजेस रेनो ने अपनी इस गाड़ी में लॉन्च से अब तक किए हैं। गाड़ी देखने में पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, और अब जब ऑटोमेटिक का वेरिएंट इसमें इंक्लूड किया गया है, इसका अपना ही एक अलग चार्म बन चुका है। ह्युंडई क्रेटा, ह्युंडई ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेस में आने में देर ज़रूर लगाई, लेकिन आई फुल स्टाइल में, ये कहना शायद गलत ना होगा। जब से आई है तब से ह्युंडई के लिए एक वॉल्यूम ब्रेकर बन चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट प्रॉपर्टी है अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाज़ार कहें। इसमें भी लॉन्च के बाद से कई बदलाव आ चुके हैं। ऑटोमेटिक का वेरिएंट दोनों पेट्रोल और डीजल में मौजूद है, कई सारे इंजन ऑप्शंस, कई सारे वेरिएंट्स, यानी कि कन्फ्यूजन। लेकिन इस वक्त हम बात करें कन्वीनियंस की, ओनली एंड ओनली ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट की। गुड डिजाइन इज हाफ बैटल वॉन, और ये बात इन दोनों गाड़ियों के लिए बिल्कुल एक जैसी बैठती है। देखने में दोनों गाड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग। डस्टर को रिसेंटली मेकओवर दिया गया है, ग्रिल जिसमें क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है, टेल लाइट्स जिनमें नए लाइट पैटर्न दिए गए हैं जो कि पहले से ज्यादा आकर्षक है। ओवरऑल वही पुरानी डस्टर लेकिन प्रीमियम टच के साथ। डस्टर के ओवरऑल मैस्कुलिन डिजाइन में जो कमी थी उसे LED टेल लाइट्स और डायमंड कट अलॉय व्हील्स पूरा करते हैं। वहीं जरा क्रेटा पर नजर डालें, अपने क्लीन राउंडेड लाइंस और मैस्कुलिन बॉडी प्रेजेंस के चलते लोगों की फेवरेट बनी हुई है। कुल मिलाकर डिजाइन दोनों गाड़ियों का बिल्कुल अलग है, और कस्टमर्स की पर्सनल प्रेफरेंस इसमें बाजी मारती है। ये लड़ाई AT और AMT की है। कॉस्ट इफेक्टिव डस्टर AMT या फन लविंग ह्युंडई क्रेटा AT। ह्युंडई क्रेटा AT में लगाया 1.6 लीटर का इंजन जो कि 126 BHP की पावर और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में मौजूद इस गाड़ी में 6 फीट टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम डस्टर टू क्रेटा, 4-5 साल का गैप भी है इन दोनों गाड़ियों के बीच में। हाँ, दोनों गाड़ियों में काफ़ी सारे फेसलिफ्ट किए गए हैं, यानी कि कई सारे चेंजेस किए गए हैं। क्रेटा नई गाड़ी है फिर भी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, यानी कि गाड़ी को अप टू डेट रखने में ह्युंडई का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इस वक्त। अगर आपको अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी चाहिए, अच्छा फिट एंड फिनिश चाहिए, यू नो, गाड़ी में एक प्रीमियम फील चाहिए, तो आप देख सकते हैं कैबिन में प्रीमियम फील क्रेटा में ज्यादा बेहतर दिखता है।
वेरिएंट्स कि क्या क्या ऑप्शन दिए जा सकते हैं। लगता है ह्युंडई की जो इंजीनियरिंग टीम है वो सोचती रहती है कि कोई भी ग्राहक जो शोरूम में आए वो वापस ना जाए, और शायद यही वजह है कि वेरिएंट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि एज ह्युंडई के बाकी प्रोडक्ट में मौजूद है वैसे ही क्रेटा में भी मौजूद है। इंजन ऑप्शन अलग अलग मौजूद हैं, साथ में जो ऑटोमेटिक का ऑप्शन है वो भी अलग अलग इंजन ऑप्शन में मौजूद है, यानी कि पेट्रोल और डीजल आपको दोनों में मिलेगा। डीजल में 1.6 लीटर के साथ है जो कि ऑटोमेटेड गियर बॉक्स मौजूद है। अभी दिस इज अ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एज कम्पेयर टू द रेनो डस्टर AMT। AMT से अगर हम कंपेयर करेंगे दिस इज फार बेटर, स्मूदर, गिव्स यू अ बेटर एंथू फीलिंग, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन वॉट वेन वी कंपेयर दिस फ्रॉम द मैनुअल वन, स्टोरी थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें भी वही दिक्कत आती है क्रेटा में आपको, हाईवे पे अगर आपको क्विक लेन चेंज या फिर ओवरटेकिंग चाहिए तो आपको ये 1.6 लीटर का जो डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटेड गियर बॉक्स है आपको वो फील नहीं दे पाता है। लेकिन हाँ, हम कंपेयर कर रहे हैं डस्टर के साथ, और उस मामले में इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है। रेनॉल्ट डस्टर में 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि 108 bhp की पावर और 248 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा हिल स्टार्ट, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और क्रूज कंट्रोल भी दिए गए हैं जो कि स्ट्रेस फ्री ड्राइव के लिए काफी मददगार साबित होती हैं। डस्टर और क्रेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो फर्क है वो दोनों के गेयरबॉक्स में है। इसमें जो दिया गया है वो है AMT, या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, या यूं कहें कि एक सस्ता इलाज उनके लिए जो कि डे टू डे ट्रैफिक से बचना चाहते हैं अपनी इस प्यारी सी SUV में। फंक्शनिंग बड़ी आसान होती है, जो नॉर्मल गियरबॉक्स है 6-speed का उसी के ऊपर एक एक्यूटेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूटेटर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। करता ये है कि वो जो आपके गियर शिफ्ट होते हैं वो आपके बदले वो आपके लिए करके देता है, वो डिपेंड करता है कि आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स पे किस तरीके से करता है। लेकिन जैसे हमने बाकी AMTs देखे हैं उनके हिसाब से ये बेहतर है। रेनो ने इस पर काफ़ी काम किया है, साफ नज़र आता है। रेनो के पास भी ऑप्शन थे, CVT वगैरह का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव और एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी देने के इरादे से रेनो ने AMT का इस्तेमाल किया जो कि बेहतर है। आपको जो परेशानी महसूस होती है वो तब होती है जब आप हाईवे पे क्विक डाउनशिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, और एंथुजियास्टिक ड्राइविंग जो कि आपको क्रेटा में मिलेगी वो आपको इसमें तो नहीं मिलेगी। दैट रियल फन ऑफ द ऑटोमेटेड गियर बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रेनो का ये जो ई सिस्टम, ईजी ड्राइव, ड्राइव इट रियली मेक्स ईजी। डस्टर अब कम्प्लीटली अपडेटेड है, सभी चीज़ें मौजूद हैं इसमें, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टेयरिंग सेटअप, सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल सीट एडजस्टमेंट, सभी कुछ मौजूद है। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है जो कि अब रेनो के इस डस्टर में देखने को मिलता है। और यही नहीं, साथ में आपको जो टच स्क्रीन दिया गया है दैट्स एन एडेड थिंग। छोटी मोटी ये जो बदलाव हैं गाड़ी को एक फुली कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव पैकेज बनाते हैं क्रेटा या फिर सेगमेंट में मौजूद बाकी गाड़ियों के खिलाफ। डस्टर कम्प्लीटली अपडेटेड गाड़ी है, हर वो फीचर जो कि ह्युंडई में मौजूद है वो आपको डस्टर में भी देखने को मिलेगा। तो अब क्या करें, डस्टर लीजिए अगर आपको एक कन्वीनियंट कार चाहिए अच्छे फीचर्स अच्छे लुक्स के साथ, और कीमत अगर आपके लिए पैमाना हो यानी कि कम कीमत में ऑटोमेटिक चाहिए तो डस्टर की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, साथ ही साथ अपडेटेड प्रीमियम फील मिले और राइड क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा ऑटोमेटिक जो कि आपको चलाने में भी मज़ा दे, तो फिर आपको वेटिंग पीरियड का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, ह्युंडई क्रेटा होनी चाहिए ऐसे में आपकी चॉइस। चलिए अब शुरू करते हैं आपके और हमारे बीच में सवाल जवाब का सिलसिला, फॉसिल वॉचेस प्रेजेंट ऑटोमोबाइल क्विज़।